हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है थर्सडे और मैं आपको मिलवाने लाई हूँ गूगल से। और गूगल से मैं इसलिए मिलवाने लाई हूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोग बहुत मिलना चाहते हैं गूगल से, और आज मुझे लगा कि मैं भी थोड़ी सी मिल लेती हूँ। हालांकि इससे मिलने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, ये थोड़ा शैतान है, थोड़ा नहीं है, लाइक शैतानों का पप्पा है। तो शैतानों के पप्पे हो ना, पप्पा होना शैतानों के तुम। तो बहुत डेस्परेटली देख रहा है। सिर्फ गूगल से बचने के लिए मैंने जीन्स पहनी। तो एक्चुअली में क्या है, ये बहुत नेल्स मारता है और कभी भी रास्ते में आ जाता है, और तो उस चीज़ से बचने के लिए कि इसकी नेल्स मुझे ना लगे, तो मैंने जीन्स पहनी है क्योंकि मुझे स्क्रैच करेगा। लोअर का कपड़ा भी जो रहता है वो काफ़ी पतला ही रहता है, ज़्यादा मोटा ही रहता है। जीन्स है जो आपको सेव कर सकती है। तो ये गया गूगल, ये आया गूगल, फिर गया गूगल। ये देखिए बस, शैतानी की देखिए अभी। ये रहा गूगल ना, देखिए बस, ये रहा गूगल। आपको ये लगता कि अभी भी छोटा है, पता है ये अंडरग्रोथ था और ये स्टिल अभी भी बहुत छोटा लगता है मुझे, लाइक एक साल का नहीं लगता है ये, ऐसा लगता कि छोटा ही 4-5-6 महीने का है ना। ये देखिए क्या किया इसने, तो मेरे कपड़े मत खराब करो। ये रहा गूगल। तो अभी यहाँ पे खेल रहा है, ये देखिए, वो पता घंटों तक भागता रहता है, उसे कोई काम नहीं है। वो घंटों भागता रहेगा, उसे कोई काम नहीं है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और काम है? हाय, पूछ देगी उसकी। हाय, मानना नहीं मुझे बस। वो गूगल, ओए गूगल, खेलने देते हैं और है ना, खेलो अब तुम खेलो, हैप्पी हैप्पी। तो अब मैं इसे खेलने के लिए छोड़ के जा रही हूँ, पर मुझे जाने नहीं देगा। हाय राम, गूगल देखिए उधर के ऊपर कौन है। गूगल जाओ, मेरे को जाना है, एक्चुअली मुझे जाना है, मुझे दवाई लेनी है, बट ये खड़े हैं। मैं जाऊँ, मैं जाऊं गूगल, मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं? एक्चुअली मैं मुझसे बहुत प्यार करता है, ये देखिए। जाओ पानी पी लो, उसे घर में जाना है। हम घर में, मैं से घर में ही लेकर जाऊंगी क्योंकि मेरे को खाना कुछ कुछ करना है, मुझे परेशान कर देगा और तो अब मुझे जाने ही देगा। अब गूगल मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं अंदर जाऊं। गूगल में जाऊं, गूगल अंदर नहीं जाना है आपको, आप नहीं जाओगे अंदर, आप नहीं जाओगे। अब मुझे जाना अंदर, मेरे को वेट करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा इधर उधर होए तो मैं अंदर भागूँ। मेरा दरवाज़ा ही बहुत अच्छा नहीं है कि एकदम से खुल जाएगा ये, वेट करती हूँ मैं। तो मैं गूगल के पास से आ गई हूँ। तो गूगल के पास जाना ऐसा होता है जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करने जाते हैं या कभी आग में कूदने जाना होता है ना, तो आपको पूरी तरह से ढक के जाना होता है उस ढंग से। तो क्या हुआ था, हमें पूरे ठंड में उसके नाखून नहीं लगे थे क्योंकि राज अभी शॉर्ट्स पहन के रहते हैं घर पे, तो क्या होता है वो स्क्रैच कर ही देता है। तो मैं नहीं जाती, मेरे को पता बहुत डर लगता है कि मुझे स्क्रैच कर दे, और जब वो स्क्रैच कर देता है ना तो बहुत दिन तक वो चलता रहता है, मतलब वो बर्निंग सेंसेशन जो रहती है वो नहीं जाती है। तो इसलिए मैं जीन्स पहन के जाती हूँ, और मैं पूरा लगता है कि मैं जब उसके पास जाऊँ तो मैं कहीं से भी, हाथ पे तो आने ही दिया मैंने उसे, अगर बैठ जाती मैं तो मेरे हाथ पे स्क्रैच कर सकता था। तो सब कुछ पहन पहन के जाओ और फिर जाओ। तो मैंने अभी आके चेंज कर लिया है, ये चेंज कर लिया,
क्योंकि जीन्स काफ़ी टाइट हो जाती है ऐसे मतलब पहनने के लिए अभी, तो ये चेंज किया मैंने आके और मैं दूध बना रही हूँ। तो गूगल से मैंने आप लोगों को मिलवा दिया, आप लोग बोलते हैं बट मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं मिलाऊँ, इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मैं राजा से कह देती हूँ, राजा से कह देती हूँ। बोजो का मेरे उसमें है कि मैं बोजो को आपसे मिलवा सकती हूँ हर दिन, गूगल का मेरे हाथ में नहीं है, गूगल के पास मुझे बहुत ज़्यादा रेडी होकर जाना पड़ता है। सो मेरा दूध जो है वो हो गया है तैयार, मैं जा रही हूँ बेडरूम में और थोड़ी देर में आराम कर रही हूँ एडिट करते करते, तो एडिट जो रहता है मैं लेट के करती हूँ आजकल कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए, तो मैं फिनिश करती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ खाने वाने की तैयारी, बहुत सारा काम रहता है फिर काम आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरे बाल आज बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे बालों में, मेरे बाल जब ऐसे होते हैं ना तो मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है, पिन देखती हूँ और लगाती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तकान आया है, मैंने अभी मिक्स दाल जो है वो भी भिगोई है। अकेले अकेले खाओगी मिक्स दाल? जी नहीं, हमें नहीं खिलाओगी? खाएंगे मिक्स दाल, क्यों कब खिलाओगी, पेट भर जाएगा। क्यों पेट भर जाएगा अपने आप? तो ये जस्ट अभी आए हैं और इन्हें डॉक्टर से बात करी है, तो डॉक्टर ने इनसे बोला है कि डॉग्स वाले इंजेक्शन लगवाओ ना। कौन जाए, बहुत गंदे हैं, पता है मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, प्लीज लगवा लो। ये कटा हुआ है देखिए, सूज गया है, मेरे पर लाल पड़ गया है। तुम इतने गंदे हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों, ये देखिए ये देखिए, तुम्हें नहीं लगता बहुत बड़ी लापरवाही है? अभी से कर रहा है जी, नहीं कभी नहीं चलती है, पता है मैं हमेशा इंजेक्शन लगवाती हूँ, मेरे को कुछ भी इनका नाखून लगता है कुछ लगता है, बट अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे को लगा नहीं है, पर मैं टिटनेस का हमेशा टिटनेस ही लगवा लो भैया जी। भैया जी टिटनेस लगवा के आते हैं, चलिए मैं चाहती हूँ टिटनेस तो लगवा के आती हूँ, तो उसके बाद आके मैं दाल बनाती हूँ और आपको सब्जियाँ लेके आती हूँ। तो ये कुछ सामान लेने गए हैं, पता नहीं क्या छोड़ के आए हैं, और हम लोग जा रहे हैं पास के ही क्लिनिक, तो पास से क्लिनिक में ही टिटनेस का जो इंजेक्शन है वो लगता है वहीं पे मैं लगवाती हूँ, पास में ही क्लिनिक है, फटाक से लग जाएगा 10 मिनट में, तो मैं कुछ भी करके लेके जाऊँगी तुम्हें। मैंने इन्हें पता है क्या बोला, क्या? ये मना कर रहे थे जाने के लिए, मैंने सोचा तो मैं अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल नहीं है, ख्याल आ गया, हाँ इन्हें एकदम से ख्याल आ गया, इन्हें बोला हाँ चलो चलते हैं, मना नहीं जा रहे थे, चलो बाय मैं जा रहा हूँ। तो ये जा रहे हैं क्या कराने, टिटनेस का, वहाँ पे मैं इनको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ से आ जाऊंगा बुलूंगा लगा रहा है, मेरी कसम है। तो क्या बिल होगी क्या? हाँ। चलो ठीक है जा रहा हूँ बाय। तुम्हारे चेहरे पे जो काला तिल है हाँ। उसी कसम है तुम्हें? अरे भाई उसकी कसम खिला दी अब तो बिल्कुल। तो हम लोग आए हैं, ये है साई हॉस्पिटल, ये है साई हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल यहाँ पे लगवाते हैं, क्लिनिक टाइप का, ज्यादा बड़ा नहीं है पर जल्दी काम हो जाता है, यहाँ पे मेडिकल स्टोर है जहाँ से हमें मिल जाता है सब कुछ, लाइक सब कुछ। मैं तो उसको मना कर दिया पहले इंजेक्शन देख के कि नहीं नहीं ये तो डर गया था मैं। हाँ आप शूट कर रही थी? शिट शिट शिट। Oh my God ये सो फनी। आया बोल रहा कि बहुत दर्द हो रहा है, मैंने बोला अब ज्यादा हो गया। कैंसिल कर, कैंसिल करो। ये है छुई मुई आदमी। नहीं कैंसिल करो, मैं चाह रहा हूँ कि कैंसिल हो जाए इंजेक्शन। तो लग चुका है तुम्हें? तो लगवा लिया है इंजेक्शन और मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द है। अब तो 2-3 दिन तक कम से कम मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, मैं इतना दर्द है, खड़ा खड़ा घूमना पड़ेगा, सोऊंगा खड़ा खड़ा। तो हम लोग आ गए हैं इंजेक्शन लगवा के, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे हटाओ यार, बहुत डरावनी है वो, घर में एक बहुत डरावनी छिपकली आई है। So guys, एक चीज, आज राजा ने इंजेक्शन लगवाया, दर्द हुआ, पता क्या बोल रहे थे, मैंने इंजेक्शन लगवाया है राइट में, मुझे दर्द हो रहा है लेफ्ट में, इतने पागल हैं ये। ये देखिए ड्रैकुला को मारा जाएगा, ये छिपकली को वो करने जा रहे हैं डिफ्यूज, मैं तो सोफे पे चढ़ जाऊंगी। मम्मी 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 कहाँ है? देख लो जरा। मैं नहीं आऊंगी। अबे कौन गई? रसोई में गई लगता है। रसोई में? ऊपर से गई रसोई में ऊपर। और क्या करूँ मरी नहीं इससे? तुमने बाथरूम के मेरे रसोई में डाल दिए। गूगा। ओके। तो आज आपने देखा गूगल अच्छे से खेला, आज मैंने गूगल को खिलाया है क्या? आज को गूगल को खिलाया मैं, बस यही करो ना। और पता क्या, जैसे वो सब कुछ फेंके जाते हैं ना बम्स
जब बम डिफ्यूज करने जाते हैं तो कपड़े पहन के आते, मैं जीन्स पहन के गई थी इसलिए हाँ कि मुझे नाखून न मारे। तो क्या हुआ है राजा का थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ है। हाँ हुआ है ना, चेंज टोटल चेंज हो गया है क्योंकि यार दिक्कत ये है कि किसी को देंगे हमको पता भी नहीं चलेगा वो बहुत दर्द है लेफ्ट साइड। हाँ तो इनने एक बहुत ही पते कहते हैं ना दिमाग वाली बात करी है जो मैंने नहीं सोची थी, इनने करी है वो बात मेरे से इन्होंने। हाँ तो नहीं देना ना, नहीं कैंसिल कर दिया हमने। हाँ एक तो सबसे पहली बात इनने अपनी कसम दे दी है मेरे को, मैंने कसम। उसके बाद रात को मैंने ये सोचा कि उसको देते और किसी ने छोड़ दिया उसको जंगल वंगल में, मुझे पता भी नहीं चलेगा, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो यही है कि थोड़ा सा है बट ठीक हो जाएगा, पर प्यारा है पता नहीं छोड़ा जा सकता। बात ये होती है कि आपकी फैमिली का कोई हिस्सा होता है ना, तो एक फैमिली के हिस्से के लिए कि कोई आ रहा है तो एक फैमिली के हिस्से को हटा दिया जाए वो सही नहीं है। आपको फैमिली बढ़ानी है घटानी नहीं है, तो फैमिली हमें बढ़ानी है घटानी नहीं है। हाँ तो क्रिकेट टीम बनानी है क्या, तो गूगल जाएगा तो फैमिली घटेगी ना, हम लोग पाँच हो जाएंगे। सोचो पाँच लोग, छः कैसे कोई बोल रहा था ट्विन्स का कमेंट, पता नहीं ट्विन्स है या तीन है या चार है, तीन या चार या एक है, एक ही होगा वैसे तो तो एक ही होना चाहिए, वैसे ही हो रहा है कि होनी चाहिए, एक होनी चाहिए या होना चाहिए जो भी हो, नहीं होनी चाहिए। अरे बोला ना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है तो क्या होगा, हाँ कम से कम ये होगा कि यहाँ पे मेल पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे राजा मेल, गूगल मेल, बोजो मेल, तीन मेल, मैं अकेली फीमेल, तो कम से कम दो फीमेल हो जाएंगी। अच्छा आपने फीमेल किया कि नहीं ये बताओ मेरे को, नहीं क्यों, फीमेल फीमेल नहीं, फीमेल ईमेल करती है जीमेल पे जाके, जीमेल पे जाके ईमेल करती है। हाँ तो फाइनल डिसीजन ये है कि नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करते हैं थोड़ा सा रखेंगे अच्छे से, मतलब थोड़ा सा हमने चिट डाली थी इसमें, एक बार छोड़ेंगे एक बार छोड़ेंगे नहीं, तो इनने चिट उठाई तो उसमें लिखा था छोड़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं छोड़ रहा है। हाँ जी नहीं, मैंने दोनों चिट पर डाला था छोड़ेंगे नहीं, तो okay, चेक नहीं चीटिंग, चीटिंग, जी नहीं ये इनका बड़ी सीजन है। बात ये है कि ये थोड़ा सा रोने वाले हो गए थे, और आपको पता है मैंने गूगल की केयर करी है, पर राजा जो है वो ना दोनों की बहुत केयर करते हैं। बात ये होती है कभी गूगल को कीड़ा काट रहा है, मेरे को डर लगता है कीड़ा निकालने में, तो मैं नहीं निकालती, और राजा चाहे वो नाखून मार दे या राजा को छील दे या कुछ कर दे, वो राजा को राजा के साथ कुछ भी कर दे, पर राजा निकाल के ही रहेंगे कि तेरा खून नहीं चूस सकता, तू बेशक मेरा खून निकाल दे। नहीं मेरे साथ ये कि मैं किसी की अपना केयर करता हूँ, किसी की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो मैं उसकी बहुत अच्छे से अच्छे से निभाता हूँ, केयर करता हूँ। हाँ मैं नहीं ली ये जिम्मेदारी, कल कीड़ा निकालने में ही मेरे को नाखून, उसके नाखून लगे, अब इंजेक्शन लग गया 6 महीने तक कोई टेंशन नहीं तुम्हें, फिर जाए फिर लगवा लेंगे 6 महीने तक टेंशन। अच्छा काटा नहीं वो, तुम वो काटता नहीं है, काटता नहीं है, काटता आपका घर का पेट नहीं है, आपको काटेगा नहीं, बस ये है कि वो खेलता है। तो चलिए मैं दाल चढ़ा रही हूँ, और एक जगह चावल चढ़ा रही हूँ, और एक जगह सब्जी चढ़ा रही हूँ, और एक जगह राजा को चढ़ा रही हूँ, राजा को चढ़ा रही हूँ। अच्छा राजा को चढ़ा रही हूँ। तो ये जो कुकर है ना यहाँ, इसका पता नहीं क्या निकल गया यहाँ से, बेचारा मरने वाला हो रहा है, इसके लिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, पर अभी तो चल ही रहा है। ये हमारी लाइफ का फर्स्ट कुकर है जो हमारा बहुत टाइम से साथ दे रहा है, तो उसको रिप्लेस करना है। राजा जो है वो गए हैं गूगल को खाना देने, बाद में खाने की तैयारी करी पड़ी। तो चलिए मैं खाना बना लूँ फटाफट, आज राजा का कोई काम नहीं है हमारे खाने में। हाय मोगी, खाना खाओगी? हाय मोगी, आई है मोगी, ओए ओए मोगी 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 आओ, अरे गंदा है ना, इसे मेरे पास नहीं आना है बस।
दी है, मुझे फिर तड़का लगाना है। अब मैं जो सब्जी है वो चढ़ा रही हूँ, मैंने चावल चढ़ा दिए, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो एक्चुअली में क्या होता है, मुझे ना सुबह 4 और 5 के बीच में लगती है भूख बहुत तेज, तो मेरे लिए डिनर बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि राजा जैसे बाहर से ऑर्डर कर लिया कुछ और वो तभी खा लिया हम लोगों ने, तो मैं सुबह भूखी मर जाती हूँ। तो कल क्या हुआ था, जो रात का डिनर था वो बचा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा किया था पर वो फिर भी नहीं बचा था, कुछ ज़्यादा अच्छा लग गया होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, सुबह मुझे बहुत भूख लग रही थी। अब मैं, पता है मेरे को नींद आती है पर मेरे को भूख उसी टाइम पर लग रही है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ मेरे लिए, क्या बनाऊँ मेरे लिए। एक सेकेंड सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो आधा घंटा मैंने सोच के बताया कि ऐसा क्या बन जाएगा। तो मैगी वैगी मैंने कुछ ला के नहीं रखी हुई है क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ सब, तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बहुत देर तक समझ में नहीं आया। फिर मेरे को लगा कि चलो सब्जी और पराठे बनाते हैं, फिर मेरे को लगा यार सब्जी काटूंगी फिर बनाऊंगी फिर पराठे, आधा एक घंटा जाएगा मेरी पूरी नींद गायब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मेरे पास चावल भी नहीं रखे हुए थे कि मैं चावल फ्राई कर लेती, कुछ भी नहीं रखा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं सुबह उठी उसी टाइम पे, मेरे को लगा कुछ भी हो जाए मैं कुछ तो बनाना पड़ेगा, मैंने पोहा बनाया अपने लिए, फिर मैंने पोहा खाया। तो क्या होता है, मैं रात में एक्स्ट्रा पराठे सब्जी जो है पराठे तो ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि 4-5 घंटे में मुझे भूख लगती है, और सब्जी होती है फ्रिज में डाल देती हूँ, और मुझे खाना ही होता है कुछ क्योंकि पता नहीं मेरे साथ फैमिली 4-5 बजे खाना है डेली सुबह उठ के, तो इसलिए मैं अपना इंतजाम कर लेती हूँ। तो मैं जो रोटी है वो बना के रखूँगी, चावल मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा किए कि इनकेस रोटी नहीं बचती तो ठीक है, और अगर चावल नहीं बचते तो रोटी तो है ही। रेडी, मैंने रोटियां भी सेक ली, दाल बना ली, सब्जी बना ली और चावल जो है वो भी कर दिए, बस अब खाना दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा हवा खा रही हूँ यहाँ पे आके। ये है दाल का पानी, क्या होता है कई बार दाल में एक्स्ट्रा ही पानी हो जाता है, और वैसे मैं को दाल का पानी पीना नहीं था बट वो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा हो गया, तो दाल पतली हो जाती और पतली दाल ये नहीं खाते, तो इसलिए मैंने जो पानी था वो अलग कर लिया, और ये है मिक्स दाल का पानी। तो मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ थोड़ी देर, राज जो है वो देख रहे हैं हप्पू, और इनका फेवरेट सीरियल है, ये सिर्फ एक ही सीरियल देखते हैं, वो है हप्पू की उल्टन पलटन, पता नहीं इनका कहाँ से फेवरेट हो गया। भाभी जी भी देखते हैं पर भाभी जी से ज़्यादा प्यारा इन्हें हप्पू है, पता नहीं क्या लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, क्या क्या होता है ना, सांस फूल जाता है, मुझे खाने की स्मेल से तड़कों से कोई भी दिक्कत नहीं है फिलहाल, बट ये होता है थकान सी हो जाती लगातार बनाते बनाते, बैठने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो जो खाना होता है ना फिर वो 4 गैस होने का भी फायदा होता है कि अगर 4 गैस स्टोव है तो एक जगह दाल बन गई, एक जगह सब्जी बन गई, एक जगह मैंने रोटी बना ली, एक जगह चावल बन गए, तो ये होता है कि साइमल्टेनियसली जो आपका काम है वो हो जाता है। तो वो हो गया है, बस अब मैं जा रही हूँ खाना लेके, वो सैलड काटना है, मैं प्याज और कीड़ा काट रही तो मेरा जो सुबह का इंतज़ाम है वो भी मैंने कर लिया, क्योंकि सुबह सिर्फ भूख लगती है मुझे, बनाने की हिम्मत नहीं रहती है मेरी, तो सुबह का इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है अपने खाने का।
बस अब जाती हूँ मैं, देख के आती हूँ। गूगल ने खाना खा लिया है, बोजो ने खाना खा लिया, इन दोनों का खाना हम पहले कर देते क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर इन लोगों के लिए, लेट होते हैं ना तो ये ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरा जो वेट है वो अभी कम हुआ है, पता नहीं कैसे 0.5 हुआ है, 0.5 कम हुआ है पता नहीं कैसे। आई थिंक मैं खाना ढंग से नहीं खा रही हूँ। और इस टाइम पता क्या होता है, आप बहुत सारी डाइट देखते हैं कि आपको खाना चाहिए दो दो घंटे में खाना चाहिए। मैं कल देख रही थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो डाइट रहती है, बट गाइस सीरियसली नहीं खाया जाता है। मतलब आप कितनी कोशिश कर लो, आप जितना टाइम पे नॉर्मल खाना खाते हो ना उतना भी नहीं खाया जाता। आई थिंक राजा आ रहे नहीं, आवाज़ कम होती। तो चलिए मैं खाना जाके डाल के आती हूँ, देखे आती हूँ, खिलाती हूँ और उसके बाद आती हूँ मैं आप लोगों से मिलने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये भी है यहाँ पे। तो आज मैं ना रेस्ट पे हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही रेस्ट कर रही हूँ। मैं सो गई, उठ के भी सो गई, खा के सो गई। तो ये रहे राजा। क्या हुआ एक्चुअली, ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन्हें पिंपल हो गया। हाँ, फिर से अपने अपनी अपनी अदाएं दिखाई। यहाँ पिंपल हो गया तो अच्छा तरीका है ऐसे। पिंपल कैसे हो गया यार, आपने को होते नहीं कभी। ये प्रेगनेंसी पिंपल हो रहा है तुम्हें? तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है मुझे आज, बहुत थकान। सो गाइस चलिए मिलती हूँ कल। तो बाय बाय, लव यू ऑल। बाय गाइस, लव यू ऑल।